वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर कोरमा की रेसिपी। ये पनीर कोरमा मैं बनाऊंगी व्हाइट ग्रेवी में, जो हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। ये व्हाइट ग्रेवी बनानी बहुत आसान है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे बना सकते हैं। बस उन इंग्रेडिएंट्स को यूज कैसे करना है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर पे पनीर कोरमा बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स विद मेजरमेंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग सी रेसिपीज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप यहाँ पे ले लें पानी और उसे बॉईल करें और उसमें डाल दें बादाम। इन्हें आप यहाँ पे 20 मिनट के लिए बॉईल कर लें। 20 मिनट के बाद ये बॉईल हो चुके हैं, आप इन्हें इसी गर्म पानी में एज इट इज छोड़ दें। तब तक आप यहाँ पे ले लें एक पैन और उसमें डालें 2 चम्मच तेल। तेल को आप यहाँ पे हल्का सा गर्म कर लें। तेल के गर्म होते ही आप इसमें डाल दें स्लाइस किया हुआ प्याज। और इस प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे हम यहाँ पे कुक कर लेंगे। सो आप चाहें तो इनके बीच में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, इससे ये ब्राउन भी नहीं होंगे और इजीली सॉफ्ट होके कुक हो जाएंगे। सो आप इन्हें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें। सो यहाँ पे जो अनियंस हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और कुक हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दें और इन अनियंस को आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें, क्योंकि अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे और हमें इनका काफ़ी फाइन पेस्ट चाहिए। सो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा पेस्ट बनने में। और अब आप इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लें। सो हमारा यहाँ पे अनियंस का पेस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी फाइन है ये। बस उसी तरीके से आप यहाँ पे बादाम ले लें जिन्हें मैंने यहाँ पे पील कर लिया है, और इन्हें भी आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें। हल्का सा आप इसमें पानी डाल दें और इन्हें भी एकदम फाइन पेस्ट बना लें। जो बादाम हैं वो इतनी आसानी से फाइन नहीं होते, उनमें छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। सो जैसे ही आप बादाम को पीस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें पानी डाल लें और उसे पीस लें। इससे जो है आपके बादाम का पेस्ट काफ़ी फाइन होगा और उसके पीसेस भी नहीं रहेंगे। अगर फिर भी थोड़े से पीसेस रह जाते हैं तो आप इसे छान सकते हैं। अब आप वही सेम पैन ले लें और उसमें डाल दें घी। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे जो है आप हल्का सा गरम कर लें। गरम होते ही हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े मसाले, जैसे कि हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। इन्हें जो है आप घी में अच्छे से रोस्ट कर लें। रोस्ट हमने इन्हें कर लिया है, अब आप इसमें डाल दें जीरा, और ज़ीरा को भी आप यहाँ पे हल्का सा रोस्ट कर लें। फिर आप इसमें डाल दें अदरक। आप यहाँ पे चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं या गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यहाँ पे कुक कर लें। कुक करने के बाद आप यहाँ पे प्याज का पेस्ट डाल दें और इस पेस्ट को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस आप इसे लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए कुक कर लें। इसे हल्का सा कुक करने के बाद अब आप इसमें डाल दें बादाम का पेस्ट। आप चाहें तो बादाम की जगह पे काजू भी यूज कर सकते हैं। पेस्ट को भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे लगातार चलाते हुए कुक कर लें। तो यहाँ पे हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया है। आप अब यहाँ पे डाल दें स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, इन्हें भी आप यहाँ पे मिक्स कर लें। फिर आप इसमें डाल दें दही। दही को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करके डालेंगे।
पहले हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। ऐसा करने से जो दही है वो आपकी ग्रेवी में फटेगा नहीं। सो आप दही को लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए कुक कर लें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर, और फिर दोबारा आप बचा हुआ दही जो है इसमें डाल दें। और डालने के बाद आप इसे फिर से ऐसे लगातार चलाते हुए थोड़े टाइम के लिए कुक कर लें। सो यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो आप अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं, कितनी थिक या कितनी पत्ती आपको ग्रेवी चाहिए। अब आप ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। अब हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच चीनी, एक हल्की सी स्वीटनेस के लिए। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब आप चीनी को यहाँ पे अच्छे से मेल्ट कर लें। चीनी को मेल्ट करने के बाद अब आप इसमें डाल दें पनीर के क्यूब्स। आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर सॉफ्ट नहीं है तो आप इसे पहले गर्म पानी में डाल के कुछ मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इन्हें ऐसे क्यूब्स में कट कर लें। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्रीम, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच आप यहाँ पे क्रीम डाल दें और दोबारा इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मिक्स कर लें। और आप फ्लेम को बंद कर दें। फिर आप इसे गार्निश कर सकते हैं केसर के साथ। और यहाँ पे आप इसे दोबारा मिक्स कर दें और आपका एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोरमा इन वाइट ग्रेवी बनके रेडी हो चुका है। ये जो ग्रेवी है मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ये अपने घर पे बना सकते हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूँगी एक और नई बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।